मीराबाईंदर शहराच्या माजी महापौर गीताजैन यांनी संपूर्ण मीराबाईंदर शहरात 1,11,111 वृक्ष लावण्याचा संकल्प केला आहे आणि त्याप्रमाणे वृक्षारोपणाला सुरुवातही झाली आहे. आज मीराबाईंदरच्या माजी महापौर गीताजैन यांच्या शुभहस्ते खिदमत फाउंडेशन आणि चॅरिटेबल ट्रस्ट मार्फत काशीमीरा येथील दर्ग्यावर वृक्षारोपण करण्यात आले. तसेच वृक्षारोपण करून त्या वृक्षाचे व्यवस्थित संगोपन करण्याची ग्वाही खिदमत फाउंडेशनने दिली आहे. फाउंडेशन की तरफ से एंड चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से जो सुंदर ऐसा आज उपक्रम हो रहा है वृक्षारोपण का, यहाँ वैसे ही निसर्ग ने बहुत अच्छी कृपा की है, बहुत सारे हैं, लेकिन कुछ हमारा भी उसमें सहभाग होना चाहिए. और आप लोगों ने, इन बच्चों ने जो सोचा है कि यहाँ भी हम वृक्ष लगाएंगे, बहुत सुंदर सोच है. मैं हमेशा कहती हूँ कि हम बहुत सारी संपत्ति अपने आने वाली पीढ़ी को देके जाएंगे, लेकिन वृक्ष नहीं रहेंगे तो सबसे बड़ा पानी नहीं रहेगा, तो वो लोग सर्वाइव कैसे करेंगे. वृक्ष है तो पानी है, तो जीवन है, तो स्वस्थ. तो उनको स्वस्थ रखने के लिए भी हमारा वृक्ष का लगाना बहुत ज़रूरी है. इसलिए हम अपनी अगली पीढ़ी को हमारी संपत्ति का वारसा तो देके ही जाएंगे, देना ही है, लेकिन उस संपत्ति को वो अच्छी तरह से वापर सके इसलिए अच्छा स्वास्थ्य भी देना उनको बहुत ज़रूरी है. और अच्छे स्वास्थ्य के लिए हमारे पर्यावरण के संतुलित होना भी बहुत ज़रूरी है. चांगले गर्भ घ्यायचे असेल तरी आपल्याला वृक्ष लावणे गरजेचं आहे आणि ते वृक्षाची गरज समजून, आजच्या काळाची जी गरज आहे ते समजून हा फाउंडेशन किती छान कार्य राबवला आहे. झाडे म्हणजे जीवन, जीवन म्हणजे झाडे जे ऑक्सिजन झाडेच नसतील तर ऑक्सिजन आम्ही फीज असते जी आम्ही घेणार नाही, कमी फीज मध्ये चालू नाही. आणि दुसरं असं आहे, बरेचसे गरजू विद्यार्थी येतात ते आमच्याकडे पोहोचतात, त्यांना आम्ही जी पॉसिबिलिटी असते. बहुत अच्छा कार्यक्रम यहाँ पर किया मैडम ने, जो मैडम ने जो बात बताई है कि झाड़ लगाना चाहिए और झाड़ एक जीवन के लिए बहुत जरूरी चीज़ है, जैसे पानी जो है उसे झाड़ की बहुत जरूरी है. और मैं भी सब लोगों से यही कहूँगा कि मैडम ने जो बात बताई उसको ध्यान में रख के आने वाले जो बच्चे हैं, जो हमारी पीढ़ी है, उसको ये सब बात बताए कि झाड़ लगाना बहुत जरूरी है. और मैडम ने इतना अपना समय यहाँ पर दिया है तो गौरशाबा ट्रस्ट की तरफ से हम उनका बहुत धन्यवाद करते हैं और बहुत अच्छा कार्यक्रम उन्होंने किया है. ताज़ा बातमी आज चैनल सब्सक्राइब करा.